हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले अदानी पोर्ट्स के बारे में। अदानी पोर्ट्स का जो स्टॉक है आज 850 के करीब ट्रेड कर रहा है एंड ओवर द वीक स्टॉक में हमने अच्छा खासा बाउंस बैक दिया। लास्ट जब मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था ये नियर 720-740 के करीब ट्रेड कर रहा, तो उसके बाद थोड़ा करेक्शन भी आया। मेरा कन्विक्शन था बिटवीन 700-750 स्टॉक को आपको बाय करना अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉराइजन है, तो देखते ही देखते स्टॉक में अच्छा खासा बाउंस बैक दे दिया है। ऑलो इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, बट 800 तक जाने का पूरा पूरा दमखम ये लगता था। अभी 850 के करीब है ड्यू टू टू मच फंड बाइंग। एट दैट मोमेंट भी मुझे ये स्टॉक अट्रैक्टिव लगता है, बट ये अपने 50 डेज हाई के करीब है। सो जिनको लॉन्ग टर्म के लिए बाई करें वो वेट करें, थोड़ा करेक्शन में मिले, देन यू कैन डेफिनेटली बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अदरवाइज मार्केट में और भी ऑप्शंस मौजूद है, क्योंकि बैंकिंग स्टॉक अभी उतने नहीं बढ़े जितना उनको बढ़ना चाहिए था। अकॉर्डिंग टू मी आईसीआईसीआई बैंक इज द बेस्ट पिक जो करेक्शन में आपको बाय करना है। उसी के साथ साथ आईटी कंपनीज आर लुकिंग बेटर देन अदानी पोर्ट्स, क्योंकि अगर ये बाय चांस किसी न्यूज की वजह से 100 रुपीज यहाँ से गिर जाता है, सो फिर से इस रेंज पे आने के लिए इसको काफी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो डेफिनेटली इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक एंड उसके बाद आपको भूल जाना है नियर पास्ट टू 7 ईयर्स के लिए। अगर आप इस स्टॉक का प्राइस अर्निंग देखें 35, जो कि अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक है सबसे चीपर वैल्यूएशन पे एंड कंपेयर टू अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैसेस, उनके मुकाबले इसका प्राइस अर्निंग बहुत ही सस्ता है एंड सबसे बड़ा डिफेंसिव बेट यही है। हालांकि स्टॉक ने फाइनली ब्रेकआउट तो दिया है, बट जिन लोगों ने बाय किया है नीचे की लेवल से 750-800 के करीब वो स्टॉक को होल्ड करे। नए बायर्स के लिए अभी एडवाइस है वेट कीजिए थोड़ा नीचे, देन यू कैन डेफिनेटली एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। मार्केट कैप 180,000 करोड़ ना। टेक्निकल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों? टेक्निकल में सबसे इंपॉर्टेंट आरएसआई, एमएफआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो शॉर्ट टर्म में किसी स्टॉक के मूवमेंट को बताता है। 70 को स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। ऑलरेडी आरएसआई एमएफआई में ये ओवरबॉट है, 75 का आरएसआई, 72 का एमएफआई एंड आज भी स्टॉक 3.5% ऊपर है। इसका इंडिकेशन ये कि आरएसआई में जब कोई स्टॉक 75-80 के करीब आता है उसमें डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। हालांकि एमएफआई में बहुत सारे स्टॉक है जो 80-90 के करीब भी ट्रेड करते थे, बट आरएसआई इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो आई डोंट थिंक सो, अकॉर्डिंग टू आरएसआई कोई भी आपको इस लेवल पे बाइंग करने का रिकमेंडेशन देगा अंटिल एंड अनलेस इट्स अ प्योर फंड बाइंग। अगर फंड ने बाइंग करना स्टॉप कर दिया सो डेफिनेटली ट्रेडर्स इन्वेस्टर भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे एंड जो स्टॉक को थोड़ा नीचे ले जा सकता है। क्यों? 1 वीक का रिटर्न देखिए 738-850, 1 मंथ लो 663, 3 मंथ लो 650, यानी निचले लेवल से अगर 1 मंथ का भी हम लो देखें वहां से भी स्टॉक 200 ऊपर आ चुका है। अगर परसेंटेज में देखें सर 30% से ज्यादा का रिटर्न एक महीने में स्टॉक ने दिया है। सो डेफिनेटली करेक्शन में ये स्टॉक नीचे आया, ऊपर आया, 700 वाज द जोन जहां पे मैंने रिकमेंड किया था, वहां से बस स्टॉक ऊपर आया गया ऑलमोस्ट 20%। सो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ बाइंग जोन। फिर से अगर इस स्टॉक को आपको बाय करना है तो मेरा तो कन्विक्शन बनता है फ्रॉम 750, बट वहां तक आएगा कि नहीं आएगा यही बड़ा क्वेश्चन है। अगर आता है देन यू कैन बाय, अदरवाइज मार्केट के और ऑप्शन के साथ जाइए। आई एम नॉट सेइंग दैट ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, जा सकता है फिर से 950-910-1000 तक जा सकता है, बट कन्विक्शन थोड़ा लो है एंड विदाउट एनी फंड बाइंग ये इस प्राइस को नहीं टच कर सकता। हालांकि प्राइस टर्निंग बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है, तो जिन लोगों ने बाय किया है पहले वो होल्ड करे। आज अगर आपको फ्रेश बाय करना है सो मुझे थोड़ा अवॉइड का जो डिसीजन है वो ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि और भी बहुत सारे स्टॉक है जो करेक्शन में। अगर आप टाटा मोटर्स को भी देख लें वो भी 520-450 के करीब है, तो उसमें कन्विक्शन ज्यादा है कंपेयरिंग टू अदानी पोर्ट्स। अगर आप स्टॉक 100-100 सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज देखें तो इसने तो बहुत पहले अपने सारे सिंपल एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को तोड़ा था। हाईएस्ट था 20-डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो 750 था एंड 100-200 सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज 730 के आसपास था, तो उसको को तोड़ के तो बहुत ऊपर आ गया है एंड डेफिनेटली 800 के ऊपर ये स्टॉक मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग भी लगता है। बट आज भी 3.5% ऊपर है, 850 इज टू मच। रिटर्न बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज्यादा दिया, ऐसा नहीं कि 850-900 इज नॉट द राइट प्राइस। हाँ, करेक्शन में कंसोलिडेट भी कर रहा था, सो क्वेश्चन एक तब स्टॉक क्यों नहीं बढ़ा धीरे धीरे, सडनली स्टॉक में क्या हो गया? सो यहीं पे रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते हैं, फंसते फॉर द हायर रिटर्न ग्रीड। सो यहां पे आपको ग्रीड नहीं करना है, मैक्सिमम ये 20% और रिटर्न दे सकता है, बट वो रिटर्न आएगा क्या आएगा है कह पाना मुश्किल है। पर अगर नीचे आप बाय करते हो तो डेफिनेटली वहां से आपको श्योर शॉट रिटर्न मिलेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड करते हो तो। लाओ फंडामेंटल लग रहा है, वन ऑफ द मोनोपोली काइंड ऑफ बिजनेस, क्योंकि जिस तरह के इसका बिजनेस है मेनली पोर्ट, वहां पर और कोई कंपनी इस तरह का बिजनेस नहीं करती, क्योंकि इतना बड़ा कोई किसी कंपनी का जो मेन फोकस है ओनली पोर्ट एंड ऑल दिस थिंग्स, अदानी पोर्ट इज अ नंबर वन। हालांकि बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज भी है, बट लाइक एबीजी शिपयार्ड, मजगांव डॉक, बट दीज आर वेरी स्मॉल, देर आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अदानी पोर्ट, जिसका मार्केट कैप 1,80,000 करोड़। L&T इज अ प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, देर इज नो कंपेरिजन बिटवीन देम। बट अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, शिपिंग यार्ड, पोर्ट्स, इन सारी चीजों में जाना है, सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस कंपनी, सो L&T एंड अदानी पोर्ट दो बेस्ट कंपनी है जो आपके पोर्टफोलियो में मस्ट होने चाहिए। नाउ अगर आप इस स्टॉक के रिजल्ट को देखें, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, ऑल दो
3700 ऑलमोस्ट 3800 करोड़ का सेल्स है। एक्सपेंसेस जो है इनको अच्छा कंट्रोल किया है कंपनी ने, जिस कारण जो नेट प्रॉफिट है बहुत ही शानदार थे लास्ट क्वार्टर में। सो दैट इज द रीजन आफ्टर डिक्लेयरिंग अ वेरी गुड प्रॉफिट स्टॉक गिरा क्यों था। गिरा इसलिए था क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर के कारण जो पोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस थे उनमें थोड़ा करेक्शन हमने देखा था, क्योंकि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था उसमें थोड़ा इम्पैक्ट आने के चांसेस थे, बट धीरे धीरे नॉर्मल चीज हो रहा है। हालांकि वॉर इज स्टिल कंटिन्यूइंग बट इंडिया इज अ वेरी पॉजिटिव पोजिशन एंड इंडिया के साथ किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो धीरे धीरे इसमें बाइंग हम देख रहे हैं एंड दैट इज द रीजन ये इतना नीचे जाने के बाद इतना ऊपर है। हालांकि इतना नीचे जाने के मैं सोच नहीं रहा था, इसका जो नॉर्मल प्राइस था 750 के आसपास था, वहां से स्टॉक गिरा भी एंड फिर बढ़ा भी। सो डेफिनेटली कंसोलिडेशन को ब्रेक किया है, बट एट दैट मोमेंट टेक्निकली ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में तो ओवरबॉट है, इसलिए थोड़ा नीचे 800 के भी बाई कीजिए, थोड़ा कैपिटल और रख दीजिए। अगर आपके पास 100 रुपीज है 800 में 50 रुपीज इन्वेस्ट कीजिए, 700 आए तो वहां पर इन्वेस्ट कीजिए। सो जितना नीचे मिले एवरेजिंग करते रहिए, मिनिमम 5 साल तक होल्ड कीजिए, यहाँ से आपको बहुत अच्छा रिटर्न। Now, I'm not saying that do not buy. I'm saying that buy on tips. Shareholding pattern देखें, Pumra Square 64% है। Look at the FI holding 15%, DI का 15%, public holding 5%। ये दिखाता है DIFI equally invested because इस तरह another kind of stuff जिसमें domestic mutual fund, international mutual fund institutions सारे शामिल हैं, सभी का अच्छा खासा stake है। So एक sell करेगा, दूसरा buy करेगा, दूसरा buy करेगा तो एक तीसरा sell करेगा। So these kind of businesses there. So DIFI का conviction same है, so जो confidence को बढ़ाता है। So overall इट्स अ बाय ऑन डिप स्टॉक एंड लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न देगा। दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस, बिफोर बाइंग और सेलिंग इन स्टॉक प्लीज आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मेरा काम ये कि किसी स्टॉक के ऊपर आपको फोकस ले आना एंड फंडामेंटल टेक्निकल्स कैसे ये बताना एंड मेरा ओपिनियन देना, बट एट द एंड डिसीजन आपको लेना है। सो डेफिनेटली आस्क योर सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बिफोर बाइंग और सेलिंग एनी स्टॉक। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।